और सेकंड बात इसका कैमरा, ओके, जो बैक साइड का जो रियर कैमरा है जिसके अंदर हमको OIS का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ दोस्तों EIS का सपोर्ट तो पहले से ही हमको इसके अंदर देखने को मिलता ही है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन, राइट। उसके साथ साथ OIS जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिमल इमेज स्टेबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ दोस्तों हमको बैक के अंदर तो मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका फ्रंट कैमरा, 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, साथ ही साथ दोस्तों उसके अंदर हमको OIS भी मिलता है। ये वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसके अंदर हमको फ्रंट कैमरा के अंदर दोस्तों OIS का सपोर्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। प्रोसेसर, प्राइस, रैम, स्टोरेज, बॉडी, डिज़ाइन सबकी बात करेंगे बाद में, लेकिन आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो डू सब्सक्राइब दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 7000 कंप्लीट होने में दोस्तों 20 सब्सक्राइबर बाकी है। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो के थ्रू 20 सब्सक्राइबर तो क्रॉस हो ही जाने चाहिए और 7000 कंप्लीट हो जाने चाहिए हमारे। दोस्तों करने जाते इसका कैमरा टेस्टिंग, आगे की बात आगे बताता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वीवो का V21 मॉडल से, और यहाँ पे मैंने 1080 30 FPS वाले सेटिंग के ऊपर रखा है मैंने इसको, रेजुलेशन जिसको बोला जाता है। और आप कैमरा की क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी तगड़ा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है मेरे को। और हाँ, दूसरी एक बात कि वीवो V20 और V21 ये दो मॉडल के कैमरे के बीच के अंदर जो फ्रंट कैमरा है उस वो ये दोनों के बीच के अंदर कौन सा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, तो अगर डिफरेंस की बात के ऊपर आ ही गए तो दोस्तों यहाँ पे हमको V21 के अंदर हमको 44 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, वो वही कैमरा V20 के अंदर भी हमको देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे चेंज इतना है कि V21 के अंदर हमको काफ़ी मुश्किल है, ये वीवो V21 वाला मॉडल के अंदर हमको देखने को मिलता है OIS का सपोर्ट, जिसको ऑप्टिमल इमेज स्टेबिलाइजेशन बोला जाता है। और ये आई थिंक वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन ऐसा जिसके फ्रंट कैमरा के अंदर OIS का सपोर्ट हमको देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी बात हो चुकी है दोस्तों, V21 ये चीज़ करके दिखा इसने और ला चुका है हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसा फ़ोन जिसके अंदर फ्रंट कैमरा के अंदर हमको OIS का सपोर्ट मिलता है। अब इस दूसरी बात, ये OIS होता क्या है, ठीक है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए लेकिन किसी ने, सबने ऐसा ही बोला कि OIS मिलता है, OIS मिलता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि OIS क्या होता है। OIS एक ऐसी चीज़ है जो जायरोस्कोप होता है, ठीक है, अगर जो पबजी लवर्स है उन लोगों को पता है कि जायरोस्कोप का यूज़ क्या होता है, ठीक है, कि पबजी के अंदर भी वैसा था कि अगर हम गन से फायर कर रहे होते तो हम इतना ट्राई करते कि गन हो सके उतना स्टेबल रहे हमारा, ठीक है, ये धर करते करते ऊपर चली जाती थी। और 6x का स्कोप जब, गाइस पबजी याद आ गया मेरे को, जब 6x का स्कोप लगाते थे हम और उसके बाद फायरिंग कंटिन्यू स्टार्ट करते थे, ऐसे ऊपर जाता था, राइट, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऊपर चला जाता था, तो हम जायरोस्कोप का यूज़ करके उसको कंट्रोल कर पाते थे। तो सेम सिस्टम OIS के अंदर हमको देखने को मिलता है, जायरोस्कोप के थ्रू वो इमेज को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो अप एंड डाउन वाला होता है ना, जो उसका मूवमेंट उसको कंट्रोल करता है वो। दोस्तों फ्रंट कैमरे का रिजल्ट, हर एक चीज़, बैटरी की एक बात बता देता हूँ क्योंकि बैक साइड वाले कैमरे के अंदर मैं बोलना भूल गया हूँ, तो बैटरी की बात बता देता हूँ। ये फ़ोन इतना पतला क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी, साथ ही साथ 33 volt का फ्लैश चार्जर हमको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है, इन द बॉक्स 33 volt का चार्जर भी देखने को मिलता है, ओके दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैंने अल्ट्रा स्टेबल वाला मोड हटा दिया है, अभी यहाँ पे एक बार रनिंग करता हूँ मैं, ओके, तो स्टेबिलाइजेशन दोस्तों काफ़ी तगड़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों कि स्टेबल काफ़ी अच्छे से OIS की वजह से देखने को मिलता है हमको यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फ़ोन को अल्ट्रा स्टेबल के ऊपर लगा दिया है, अभी मैं यहाँ पर रनिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे तकरीबन काफ़ी अच्छी सी रनिंग की और रिजल्ट मेरे को काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे देखने को मिला है। दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 1080 Vivo V21 का 30 FPS वाली वीडियो रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे ये जो मैंने लेंस रखा हुआ है, ये सुपर वाइड एंगल लेंस जो V21 का है वो यहाँ पे मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। क्वालिटी जो है, अगर मैं बात करूँ कॉर्नर टू कॉर्नर की,
तो काफी अच्छे से इसने मैनेज करके रखा है। और कलर टोन की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर की साइड जो आसमान का कलर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो उसने काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं अपनी नेचुरल आई से जो देख रहा हूँ वो बिल्कुल सेम टोन यहाँ पे इसने कैमरा के अंदर दिखाया है। तो काफी तगड़ा नेचुरल कलर ये कैचअप कर रहा है, मेरे को काफी अच्छा बात लगा। और इसने साथ ही साथ जो स्टेबिलाइजेशन है वो भी काफी अच्छे से इसने स्टेबल करके रखा है। ठीक दोस्तों, आप देख रहे हो मौसम काफी सुहाना सुहाना सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों लगेगा ही क्योंकि आजकल हर जगह पे जो शॉप्स है, शोरूम्स है, हर एक चीज बंद पड़ी है अभी। ठीक है, कोरोना की वजह से काफी सारे, और दूसरी बात मैं खुद एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था और पिछले 10 दिन पहले ही मैं खड़ा हुआ हूँ। ओके, तो आप सबकी मेहरबानी है उसके अंदर, आप सब लोगों का प्यार कि जिससे मैं ठीक हो गया हूँ और आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी गंदा सा वक्त चल रहा है सभी लोगों का, लेकिन दोस्तों उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी वीवो V21 की बात कर रहे हैं। दोस्तों कैमरा सैंपल्स आप लोगों ने देखे वो कैसे लगे वो आप लोग नीचे कमेंट करके पहले तो मुझे बता दीजिए। तो सबसे तगड़ी जो मेरे को इसके अंदर बात लगी वो है इसका डिस्प्ले, क्योंकि आप देख सकते हो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है यहाँ पे इसके अंदर। हाँ, दूसरी एक बात, V20 के अंदर दोस्तों हमको मिल रहा था 60Hz का रिफ्रेश रेट। ठीक है, और दूसरी बात कि इसके अंदर हमको मिल रहा है 90Hz का, ओके 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों 6.44 की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले हमको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस है V20 की डिस्प्ले के अंदर और V21 की डिस्प्ले के अंदर वो है, और इसके अंदर हमको मिल रहा है 800 ब्राइटनेस निट्स मिल रहा है। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं अभी इतनी धूप के अंदर, ज़्यादा धूप तो नहीं है, मौसम काफ़ी सुहाना है, अब ब्राइटनेस देख सकते हो काफ़ी तगड़ी सी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है हर एक चीज़। देखो अब फ़ोन को काफ़ी अच्छे से देख सकते हो, ब्राइटनेस जो टोन है अगर इसको हम हमारे घर के अंदर नॉर्मल से बैठेंगे ऑटो मोड पे भी अगर इसका ब्राइटनेस रहेगा काफ़ी तगड़ा सा हमको रिजल्ट, मैंने खुद इसको चेक किया हुआ है, काफ़ी तगड़ा सा रिजल्ट मेरे को देखने को मिला था। प्लस दोस्तों अगर बात करने जाए इसके प्रोसेसर के बारे में तो आजकल पबजी तो चला गया लेकिन COD काफ़ी तगड़ा सा चल रहा है यहाँ पर। मैं भी सोच रहा हूँ कि 2-3 हफ्ते के बाद उसके अंदर मैं भी खुद खेलना चाहूँगा वो गेम, तो उसका भी मैंने इसके अंदर टेस्ट कर चुका हूँ COD का भी, वो भी काफ़ी अच्छे से काफ़ी तगड़ा सा देखने को मिला है मेरे को। 30 FPS के ऊपर मैंने वो गेम खेल चुका हूँ इसके अंदर। और प्रोसेसर इसके अंदर हमको डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर भी हमको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों बात करने जाए यही वीवो V21 मॉडल की कीमत की तो यहाँ पे हमको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट वाला वेरिएंट है वो है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, उसकी कीमत यहाँ पे रखी गई है 29,990 रुपीज़। और दूसरा जो वेरिएंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है उसकी स्पेसिफिकेशन है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, जिसकी कीमत यहाँ पे रखी गई है 32,990 रुपीज़। यानी कि दोस्तों 30,000 और 33,000, ओके ये दोनों कीमत के ऊपर इसको रखा गया है। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू वीवो V21 मॉडल का और कंपैरिजन वीवो V20 और वर्सेस वीवो V21 मॉडल के। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्पॉन्सर बाय जास्मिन मोबाइल शॉप बोडेली, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, एंड हो सके इतना सपोर्ट करो, दोस्तों गुजरात में से खड़े हुए हैं, पूरा इंडिया देखना चाहते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।